प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका बीटेक का सेवन्थ सेमेस्टर्स का जो आपका क्लास है उसके बारे में मैं यहां पे चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पे जैसा कि आपको पता है कि इस सेमेस्टर में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, आपके पूरे करियर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है ये जो सेवन सेमेस्टर्स है। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका प्रोजेक्ट वन, जो कि माइनर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, माइनर प्रोजेक्ट है ना, और समर एंटरप्रेन्योरशिप यानी समर ट्रेनिंग का भी यहाँ पे जो है आपका होता है। यानी एक तो माइनर प्रोजेक्ट और एक समर एंटरप्रेन्योरशिप भी आपका हो जाता है, जो कि 14 क्रेडिट ये दोनों ही आपका मिल जाता है। ये दोनों ही 14 क्रेडिट का हो जाता है, जितना का आप एग्ज़ाम देंगे, 3, 3, 3 और 2 कितना हुआ, 6, 3, 9, 9, 2, 11 यानी जितना का आप एग्ज़ाम देंगे उससे ज़्यादा, यानी 11 क्रेडिट का आप एग्ज़ाम देंगे और 14 क्रेडिट आपको जो है फ्री फोकट में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा, जैसे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे, उस पर मेहनत करना पड़ेगा, उस पर रिसर्च आपको करना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग जाकर करना होगा, समर इंटर्नशिप करना होगा, और इंटर्नशिप के साथ साथ इस पर आपको प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, क्या क्या काम किया है ना, वो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे करना होता है। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब पढ़ाई तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि पढ़ाई से ही आपको ये डिसाइड किया जाएगा कि आप सेमेस्टर पास होंगे कि फेल। लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको जो है और इंटर्नशिप जो है ये आपको ये बताएगा कि आप अपने सेमेस्टर में कितना ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम से सिर्फ आप पास होंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट से आपका जो स्कोर है उसमें 4 चांद लगने वाला है। उसमें क्या लगने वाला है, 4 चांद लगने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपके कॉलेज में सब्जेक्ट जो है डिसाइड हो चुका होगा, है ना, क्योंकि दिवाली छुट्टी से पहले ही आपके कॉलेज में उम्मीद करता हूं मैं कि आपका सब्जेक्ट डिसाइड हो चुका होगा। बट अगर आप मान के चलो कि अगर आपके कॉलेज में सब्जेक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली छठ पूजा बाद ही जो है वो आपके कॉलेज में डिसाइड होगा। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और अपकमिंग फ्यूचर्स में जो एग्ज़ाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर आप फेस करोगे, तो कौन सा सब्जेक्ट आप अभी चूज़ करो जो आपके बाद में भी काम करेगा, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो इम्पोर्टेंट आप ले सकते हो आप अपने अनुसार। देखो, डिसीजंस तो आपको है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करके आपको ही डिसाइड करना है, लेकिन उस डिसीजन में थोड़ा हेल्प हम कर सकते हैं ताकि आप अपने सेमेस्टर में एक अच्छा नंबर तो प्राप्त करो ही, और साथ ही साथ आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी तैयारी इन फ्यूचर करोगे तो उसमें भी आप बेहतर स्कोर कर सको। तो यहाँ पे 3 इलेक्टिव पेपर होता है और 1 कॉमन पेपर होता है। तो कॉमन पेपर जो है आपका यहाँ पे, कॉमन पेपर को आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉमन पेपर जो है 2 क्रेडिट का होता है। कितने क्रेडिट का, 2 क्रेडिट का होता है, जो कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स है। उसके अलावा एक है ओपन इलेक्टिव और 2 आपका जो है प्रोग्राम इलेक्टिव है। एक आपका ओपन इलेक्टिव है और 2 आपका जो है प्रोग्राम इलेक्टिव आपका यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले ये हो गया, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो कि कॉमन पेपर है, ये आपका कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर। आप किसी भी कॉलेज से हो है ना, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी भी कॉलेज से हो, आपको ये पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स।
ये आपका 2 क्रेडिट का है। यहाँ पे सिलेबस आपका मेंशन किया गया है जिसमें मॉड्यूल 1 में प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है ना। इसमें आपका मॉड्यूल 1 में और प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ना है। मॉड्यूल 1 को 2 पार्ट में बांटा गया है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी, प्रोफेशनल बॉडीज जैसे IOU या IE इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, IIA, COA, ECI, लोकल बॉडीज एंड प्लानिंग अथॉरिटीज़, क्लाइंट, ऑनर, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर, वेंडर, सर्विस एजेंसीज, ये सारे आते हैं। मॉड्यूल 2 में प्रोफेशनल एथिक्स, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, इंजीनियरिंग एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, गिफ्ट एंड ब्रेवरी, इन्वायरमेंटल ब्रीचेज, नेग्लिजेंस, डिफिशियंसीज, ये सारे जो है आपका यहाँ पे आता है। तो ये जो है आपका मॉड्यूल 1 में पढ़ना है और इस पे ऑलरेडी मैंने जो है आपको लेक्चर जो है दिया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को देखो तो इस पे ऑलरेडी जो है मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो लेक्चर्स पसंद आएगा और आप उसे देखे भी होंगे, समझे होंगे। और कई सारे लोग अब स्टार्ट करेंगे देखना तो उनके लिए भी जो है ये आपका बेनिफिशियल आपका होने वाला है। ओके, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये आपका पढ़ना है। तो ये जो देखो, ये अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो मॉड्यूल 2 जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में है, तो अगर ये पूरा पढ़ लेते हो, ये मॉड्यूल पूरा पढ़ लेते हो, तो जब आप 8 सेमेस्टर में जाओगे तो एक पेपर आएगा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, तो वो आपका हेल्प करेगा। मैंने ये जो मॉड्यूल 2 है ना, सेम चीज़ मॉड्यूल 2 जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, सारा A to Z पूरा का पूरा सेम आपको जो है 8 सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ना है। यानी ये मॉड्यूल 2 को आप अच्छे से पढ़ना ताकि आपका 8 सेमेस्टर आसानी से निकल जाए। अगर आपके कॉलेज में ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट चूज किया जाएगा 8 सेमेस्टर में, तब। फिर है आपका मॉड्यूल 3 जो कि आपका आर्बिट्रेशन, कैंसिलिएशंस एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लो। उसके बाद मॉड्यूल 4 में इंगेजमेंट ऑफ लेबर एंड अदर कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड लॉ, एंड मॉड्यूल 5 में लॉ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये आपके जो है यहाँ पे पढ़ने हैं, मतलब 5 मॉड्यूल आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस के 2 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट ये दिया गया है ये कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में ये जो है दिया गया है। ओके, बट आपको मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हूँ। हाँ, अगर आप हमारे कोर्सेज को इनरोल करना चाहते हो तो कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे। कहाँ पे? इंजीनियर प्लस ऐप, ठीक है। इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको जो है कोर्सेज भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है कोर्सेज भी जो है चेकआउट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका इलेक्टिव पेपर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इलेक्टिव पेपर में जो प्रोग्राम इलेक्टिव है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे पहले बात करेंगे। प्रोग्राम इलेक्टिव, तो देखो जो प्रोग्राम इलेक्टिव 3
एंड फोर आपके जो है सिलेबस के अनुसार दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला सब्जेक्ट है आपका पेमेंट डिज़ाइन, दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, तीसरा है ट्रांसपोर्ट और वाटर एंड वेस्ट वाटर, पाइपलाइन इंजीनियरिंग, सरफेस हाइड्रोलॉजी, मेसनरी स्ट्रक्चर्स, वुड स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक्स टू, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड लाइफ साइकिल, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन टू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय मैट्रिक्स मेथड, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस टू, डिसीजन एंड रिस्क एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इन्वायरमेंटल फ्लूइड मैकेनिक्स, अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, रॉक मैकेनिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ट्रांजिट इन क्लोज्ड कंडवीट, अर्बन हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स। तो ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो आप अपने कॉलेज में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स है वो आप चूज करोगे तो आपके लिए जो है ज़्यादा ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर चूज करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर चूज करोगे तभी आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में बेहतर स्कोर कर पाओगे, है ना। बेहतर स्कोर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट का डिसीजंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम मैं बताता हूँ, उन सब्जेक्ट को जो है आप यहाँ पे जो है चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यहाँ पे प्रोग्राम इलेक्टिव थ्री, ठीक है। प्रोग्राम इलेक्टिव थ्री के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो वो है पेमेंट डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन, ठीक है। आ गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहला है पेमेंट डिज़ाइन। दूसरा जो आप इसमें चूज कर सकते हो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये इलेक्टिव थ्री का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तीसरा आपका यहाँ इसमें आप चूज कर सकते हो ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद चौथा नंबर में आप चूज कर सकते हो यहाँ पे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस। फिफ्थ नंबर में
आप चूज़ कर सकते हो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फिर आप चूज कर सकते हो इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बाद इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। इसके अलावा आप चूज कर सकते हो रॉक मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स। इसके बाद आप यूज कर सकते हो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। तो ये कुल कुछ सब्जेक्ट का मैंने जो है नाम यहाँ पे डाला है, ये सब्जेक्ट जो है आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप कर लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड लाइफ साइकिल एनालिसिस। बस इतना सब्जेक्ट आप इसको जो है चूज कर सकते हो। ओके, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, ये तो आपका कॉमन पेपर है और आपका जो अगला मैं बात करूं, तो देखो ये 10 सब्जेक्ट का नाम लिया हूं, ये 10 सब्जेक्ट्स में आपका कॉम्बिनेशंस जो है अच्छे से सिलेक्ट करना है पेपर 1-3 एंड पेपर 4 का, है ना। पेपर 3 और पेपर 4 का कॉम्बिनेशन जो है आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है, और आप अपने कॉलेज में मतलब इन सब्जेक्ट का दे सकते हो नाम, मतलब 10 पेपर का सिलेक्ट कर सकते हो, 10 में से कोई 2 पेपर आपको जो है सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो जैसे अगर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप सेलेक्ट करते हो साइंस, तो इसके साथ आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना, ठीक है, या फिर आप ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग रखते हो तो इसके साथ रॉक मैकेनिक्स सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, मतलब या तो GIS या तो रॉक मैकेनिक्स, ये 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी ले रहे हो, है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो उसके साथ आप जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन आप देख लेना कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन आपके कॉलेज में बन रहे हैं। तो देखो क्योंकि एक इलेक्टिव पेपर 3 से लेना है और एक इलेक्टिव पेपर 4 से आपको लेना है, तो इन बातों को आपको जो है ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को काम आपको करना पड़ेगा। तो ये 10 पेपर का आप लिस्ट अपने कॉलेज में देना अगर आपसे डिमांड किया जाए तो, नहीं तो अगर आपके कॉलेज के प्रोफेसर खुद से सेट करते हैं कि ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ना है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट अगर आपसे पूछा जाए, आपका बोला जाए कि आप अपना डिमांड रखो, तो उस कंडीशंस में आप जो है इन 10 सब्जेक्ट का नाम दे सकते हो। ये 10 सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाले जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करोगे ना, उन सारे एग्ज़ाम्स में आपका इससे क्वेश्चंस पूछता ही है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। इन सब्जेक्ट्स में अगर मैं बताऊं तो आपका
कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज़, इन सब्जेक्ट्स पे ऑलरेडी मैंने जो है कोर्सेज है ना कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रखा है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस पे कोर्स बना दिया हूँ तो आप यही सब्जेक्ट लो, आपको जो सब्जेक्ट मन करे वो पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो इन सब्जेक्ट पे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो इन सब्जेक्टेड को आप प्रेफरेंस देकर आप अपने कॉलेज में चूज करवा सकते हो। आपको कंटेंट PYQ वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें है ना तो अब आता है ओपन इलेक्टिव। तो ओपन इलेक्टिव में एक तो आपका जो कॉमनली चूज़ किया जाता है वो है सॉफ्ट स्किल एंड इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट जनरली जो है कॉलेजेस में लिया जाता है ओपन इलेक्टिव पेपर जो वन है उसके अंतर्गत, ये दो सब्जेक्ट जो है जनरली आपका लिया जाता है। तो कोशिश करना कि यही दो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में भी लिया जाए तो आपके लिए जो है बेटर ऑप्शंस रहने वाला है। बट अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट कोशिश करना कि ये दो सब्जेक्ट ही लें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट पे ऑलरेडी जो है मैंने कोर्सेज भी प्रोवाइड कर दिया है, कंटेंट आपको आसानी से मिल जाएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो 7 सेमेस्टर के बारे में मैंने पूरा बता दिया है। अगर बात करें यहाँ पे कोर्सेज के बारे में तो चलो एक बार मैं दिखा दूँ। अभी जो है आपका दिवाली चल रहा है तो दिवाली पे आपके लिए जो है एक ऑफ़र भी यहाँ पे जो है कई सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज में आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे मैं 7 सेमेस्टर सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ग्राउंड वाटर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स। तो अगर आप एक सब्जेक्ट परचेज करते हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज परचेज करना चाहते हो, तो एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 149 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, बट एक ह्यूज डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप कंबाइंड सब्जेक्ट का कोर्स परचेज करते हो 7 सेमेस्टर का। तो आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो और अगर ये जो ऊपर दिए गए सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट्स को आप चूज़ किया जाता है आपके कॉलेज में, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके कॉलेज में चूज़ किया जाए वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो है करवाए जाएंगे। अगर आपके कॉलेज में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया जाए जो कि उसका कंटेंट टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, वो भी अगर आपको मिल गया है, लेकिन अगर आप 7 सेमेस्टर का कंबाइंड सब्जेक्ट वाला कोर्स परचेज कर लिए हैं तो आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट लिया गया है ना उस सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा अधिकार हो जाएगा, हमारा कर्तव्य हो जाएगा कि नहीं जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है उस सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो अभी जो है 630 रुपये में मात्र मिल जाएगा, कितने 630 रुपये में, अगर आप अभी दिवाली छठ पूजा तक अगर आप परचेज करते हो तो 630 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद ये 899 रुपया हो जाएगा। और ये जो 630 रुपया है ना, नॉट इवन फॉर वन मंथ,
फॉर अ सिक्स मंथ 6 महीने के लिए आपको जो है 630 रुपया मात्र लगाना है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितना ह्यूज डिस्काउंट आपके लिए मैं प्रोवाइड कर पाया हूँ। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। अगर सिर्फ कॉमन पेपर को पढ़ना चाहते हो जो कि आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स है तो सिर्फ आप इसको भी ले सकते हो। 149 रुपीज़ में 1 मंथ का है। यहाँ पे मल्टीपल वैलिडिटी होंगे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जिस भी आप लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हो। एज योर डिमांड, आपका डिमांड क्या है, किस तरीके का है, उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कंबाइंड सब्जेक्ट का लेते हो तो ये आपके लिए जो है एक बिग डिस्काउंट होने वाला है। बाकी आपके डिसीजंस, आपके निर्णय आपको खुद से ही लेने होंगे। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।